नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि सर एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत लोग सर ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं। और हम कई सालों से देख रहे थे कि पेशेंट आता है, बहुत ही ज्यादा टैबू में रहता है, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी। एक ऐसा टॉपिक जो बोलते हैं संवेदनशील भी है, और आज 90% लोग अनट्रीटेड होने के कारण या कुछ ऐसी दवाइयां ले लेते हैं मेडिकल स्टोर पे जाके, जो बाद में जाके वो एडवर्स इफेक्ट करती है और वो प्रॉब्लम बनी रहती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी बीमारियां हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ब्रॉड टर्म है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। इसका नाम ही है एसटीडी, मतलब सेक्स के दौरान, सेक्स करने के बाद, सेक्स के द्वारा होने वाली बीमारियां। सबसे पहले आपने एचआईवी का नाम सुना होगा। एचआईवी अलग है, एड्स अलग है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या होता है? एक एचआईवी ऑटोइम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति, वही हमारे खिलाफ हो जाती है। उसको वजह से एड्स बोल सकते हैं कि जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट है, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लैमाइडिया है, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो लोग हल्के में लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, बाद में जाके प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। और मैंने देखा है 90% केसेस में अनट्रीटेड है अभी तक। कई सालों तक लोग जेनिटल हर्पीस, कई सालों तक सिफिलिस, कई सालों तक गोनोरिया, वो बार बार रिपीट एंटीवायरल खा के लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ लोग नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं, और कुछ लोग यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ दिनों तक दवाई लेते हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, फिर से रिपीट हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों समझने की जरूरत है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो आप एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में, पहले तो पैथोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें टॉर्च टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें पता लगाते हैं कौन सा मार्कर बढ़ा हुआ है। इसमें 8 मार्कर होते हैं और मार्कर में ये देखा जाता है आईजीजी, आईजीएम, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, सिफिलिस, गोनोरिया, उसके भी कुछ हम लक्षण चेक करते हैं, साइन और सिम्टम। जो पेशेंट आके बताता है वो सिम्टम्स होते हैं, जो हम उसका प्राइवेट चेकअप करते हैं जब उसका डिस्चार्ज, पेनाइल डिस्चार्ज बोलते हैं उसको ना, यूरेथ्रा से, और बहुत ही ज्यादा वो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, पैनिक हो जाता है पेशेंट, जब पेन यूरिन पास करता है उसको पेन होने लगता है, उसको इचिंग बर्निंग होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और पेशेंट आता है हमेशा लास्ट स्टेज में जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कुछ दिनों तक उसको समझ भी नहीं आता कि व्हाइट कलर का दूध या डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, क्या है ये। पेशेंट बोलता है सर मुझे कुछ कुछ निकल रहा है, धात निकल रही है, वो धात समझता है, जबकि धात अलग चीज है, स्पर्मेटोरी अलग चीज है, वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे महिलाओं में होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, वैसे ही जो यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, प्रीकम अलग होता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज अलग होता है। पेशेंट समझ नहीं पाता, वो तो आके बोलता है धात आ रही है, जब हम उसका चेकअप करते हैं तो देखते हैं वो स्किन भी पीछे होना बंद हो गई, जो उसकी स्किन होती है ऊपर की फोल्ड में, बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं, पेशेंट को नहीं मालूम फिमोसिस क्या है, पेशेंट को नहीं मालूम गोनोरिया क्या है, सिफिलिस क्या है, हर्पीस क्या है, वो तो बोलता है सर कुछ नहीं हुआ, वो डर के मारे बताता भी नहीं है। जब हम ऊपर जाके प्राइवेट चेकअप करते हैं तब मालूम चलता है, अरे ओरल सेक्स कराया था, वो बताते सर मैंने ओरल सेक्स करा, एचएसवी, यू हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी 1 और 2, दो टाइप होते हैं, ओरल सेक्स करवाता है तो टाइप अलग होता है और वेजाइनल सेक्स से अलग होता है। जनरली जो बोलते हैं मुंह में छाले हो जाए, मुंह में अल्सर हो जाते हैं, मुंह अगर ओरल के थ्रू हो रहा है, ओरल में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, वो बोलते हैं ओरल हर्पीस, है ना। और एक होता है जेनाइटल हर्पीस, जब वो जनानंग पे आ जाता है, उसके पीनस पे आ जाता है, उसमें स्पॉट्स होने लगते हैं, है ना, उसको इचिंग होने लगती है, उसमें स्पॉट्स टाइप के, अल्सर टाइप के होने लगते हैं। तो देखिए बीमारियां तो बहुत सारी हैं, मगर एक ही समाधान है कि कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप नजदीकी किसी अच्छे सेक्सुअलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना प्राइवेट एग्जामिनेशन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, और ये प्रॉब्लम 100% ट्रीटेबल है हमारे मॉडर्न होम्योपैथिक में, आयुष पद्धति में। क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कॉन्ट्राडिक्शन और इंग्लिश मेडिसिन में इसका इलाज नहीं, मगर वो सप्रेसिव है, वो पैलिएशन है, तो पैलिएशन की वजह से वो प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अनट्रीटेड हमारे पास, 6-6 महीने, 6-6 साल तक इलाज कराया, कई ट्रीटमेंट कराया, जब तक ट्रीटमेंट कराया तब तक हमें फायदा हुआ, मगर वो ट्रीटमेंट जब हमने छोड़ दिया वापस रिपीट हो गया। इसका मतलब इम्यून सिस्टम पे काम नहीं हुआ, इसका मतलब रूट कॉज पे काम नहीं हुआ। तो बहुत सारी मेडिसिंस भी मैं आपको बताना चाह रहा था इस टॉपिक में। बेसिक मेडिसिंस तो बहुत सारी हैं, अगर मैं टॉप ग्रेड मेडिसिंस की बात करूं हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट में, सबसे बेस्ट मेडिसिन, सबसे नंबर वन मेडिसिन आती है एसिड नाइट्रिकम। ये कॉमन मेडिसिन है, इसके सिम्टम्स भी वेरी करते हैं, पेशाब में जलन होना और डिस्चार्ज में बर्निंग बहुत ज्यादा होना, स्मेल आना, नाइट्रिक एसिड के नाम से जानी जाती है। सेकेंड मेडिसिन जो आती है मर्कसोल, मर्कसोल में भी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा प्यूरुलेंट होते हैं और ज्यादा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आने लगता है, तो समझना चाहिए कि गोनोरिया है कि क्या है, तो अच्छे केसेस हमारे ट्रीट हुए हैं। इसी की कैटेगरी में थूजा मेडिसिन आती है, उसमें भी डिस्चार्जेस आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के डिस्चार्ज होते हैं, येल्लो है, व्हाइट है, तो उसमें डिफरेंसेस हम मिलाते हैं।
फोर्थ मेडिसिन आती है कैलेडियम, कैलेडियम भी चॉइस ऑफ मेडिसिन रहती है जब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद बेलेनाइटिस की कंडीशन बन जाती है। और अगर नोसोट की बात करें तो सिफिलिनम हम मेडिसिन देते हैं, ये किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, सिफिलिनम वन है। तो मेडिसिन तो बहुत सारी है, अगर मैं फाइंड आउट करूं रूब्रिक सिलेक्शन लगाता हूं तो कम से कम 50-60 मेडिसिन निकल जाती है 300 में से, मगर उनमें से 3 से 4 मेडिसिन हम लोग सजेस्ट करते हैं, वो आपके सिम्टम्स के आधार पर, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, ब्लड टेस्ट के हिसाब से। हम क्लीन करने के लिए कुछ कैलेंडुला, इश्नेशिया, बर्बेरिस, थूजा ऐसे कुछ मदर टिंचर देते हैं जो कि आपके आउटर पार्ट और इनर पार्ट के लिए अच्छा है। अगर वो इंटरनल इंटरनल चला गया तो हम लोग R88 सजेस्ट करते हैं। अगर इंटरनल मतलब यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, तो वो बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है, पेशेंट पेन बहुत ज्यादा होता है यूरिन करते समय, पेशेंट सेक्स तो कर ही नहीं पाता क्योंकि स्किन पीछे नहीं हो पाती, इन्फेक्शन हो जाता है। R88 रेक्वेक कंपनी की है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं थंबनेल में इसको आपको पिक लगा देंगे हम आपको, इजीली अवेलेबल है किसी भी मेडिकल स्टोर पे। R87 एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉजेस देखा गया है, क्योंकि जनरली जो इंग्लिश मेडिसिन होती है उसमें एंटीबायोटिक भी देते हैं। और एक एंटी फंगल R82, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर ये हर्पीज कॉज है, हर्पीज है प्रॉब्लम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो R68 देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे उसमें आती है, Vitus-C15। तो मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, मगर डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टैबू वाली जो एक सिचुएशन बन जाती है, तो इससे डर कर नहीं दोस्तों, डटकर सामना करें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके और आपके दोस्त के साथ या किसी भी आपके नजदीकी के साथ आती है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9893888001, हमारी वेबसाइट www.bestsexualistdoctor.com। नमस्कार दोस्तों।